नमस्कार, मैं हूं दलीप ताहिल, मोहन भागवत, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के प्रमुख, एक ऐसे संगठन के मुखिया जो खुद को संगठन नहीं बल्कि विचारधारा मानता है। वो खुद को गैर राजनीतिक बताते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो। कहने वाले कहते हैं कि संघ की मर्जी के बगैर बीजेपी में पत्ता तक नहीं हिलता। अपने आप को योग्य बनाओ तो देश के लिए बलिदान। संघ दक्षो प्रणाम। एक दो तीन। आरएसएस को बीजेपी की सोच कहा जाता है, और बड़े फैसले लेने से पहले बीजेपी संघ के हेडक्वार्टर्स नागपुर का ही रुख करती है। संघ बीजेपी में हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहा है, एक तरीके से बीजेपी का रिमोट मोहन भागवत के हाथ में है। इन दिनों वो नरेंद्र मोदी के राज तिलक के लिए महायज्ञ में जुटे हैं। सौम्य स्वभाव, चेहरे पर मुस्कुराहट और मीठा बोलने वाले मोहन भागवत हिंदुत्ववादी नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने के हिमायती हैं। संघ की सोच को खुलेआम कहने से भागवत परहेज नहीं करते। आपस में इस लड़ाई को लड़ते लड़ते ही भारत के हिंदू और मुसलमान साथ रहने का कोई ना कोई तरीका अवश्य ढूंढ लेंगे, और वह तरीका हिंदू तरीका हो। उन्होंने नरेंद्र मोदी में हिंदुवादी प्रधानमंत्री का अक्स देखा। मोदी को सत्ता के करीब पहुंचाने के लिए संघ कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। संघ अपने पुराने प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहता है। मोदी के लिए मुरली मनोहर जोशी की सीट वाराणसी को खाली कराया गया। मकसद साफ है कि धर्मनगरी के जरिए पूर्वांचल की सीट साधी जा सके। संघ को उम्मीद है कि मोदी के वाराणसी आने से उनके लहर का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश की 20, बिहार की 40 और झारखंड की 14 सीटों पर जरूर पड़ेगा। चालू राजनीति में संघ की कोई रुचि नहीं। अभी हफ्ते भर पहले की ही बात है, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी रूठ गए थे। मोदी से इस कदर नाराज थे कि गांधीनगर छोड़ उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। बीजेपी और खासतौर से मोदी की किरकिरी हो रही थी। मान मनोवल की कोशिशें खूब हुई, मोदी से लेकर सुषमा, राजनाथ और वेंकैया सबने मनाने की कोशिश की, आडवाणी नहीं माने। मोदी सीधा संघ की शरण में गए। नागपुर से जब दबाव बनना शुरू हुआ तो आडवाणी के रुख में नरमी आने लगी। 20 मार्च की शाम तक आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ने को राजी हुए। परिवर्तन ही एक अपरिवर्तनीय नियम है, परंतु परिवर्तनशील दुनिया का जो मूल सत्य है वो शाश्वत है और वो अपरिवर्तनीय। परिवर्तन हितकारी हो इसलिए अपरिवर्तनीय जो है उसका भान रख के चलना पड़ता है, तभी परिवर्तन भी सफल होता है। मोदी पर संघ की यह मेहरबानी इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी में मोदी के खिलाफ उठते किसी भी आवाज को सहन नहीं किया जाए। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत ही थे जिन्होंने मोदी की ताजपोशी की पटकथा लिखी थी। गुजरात में लगातार 3 जीत के बाद मोदी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। संघ की नजर भी अपने पुराने प्रचारक रहे मोदी पर थी। भागवत ने पहली बार 20 जून 2012 को संकेत दिए कि 2014 लोकसभा चुनाव में
नरेंद्र मोदी को आगे किया जा सकता है। नरेंद्र भाई स्वागतम। दरअसल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एनडीए के हिस्सा रहे नीतीश कुमार ने कहा था कि पीएम पद के लिए किसी धर्म निरपेक्ष नेता को ही चुनना चाहिए। इसके बाद लातूर में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने पूछा था कि आखिर एक हिंदूवादी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। मोदी के सिर पर भागवत का हाथ होने की दूसरी मिसाल 7 फरवरी 2013 को मिली। संगम नगरी इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा था। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में साधु संतों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र में जो सरकार चाहिए उसकी कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में होनी चाहिए। संतों ने खुलकर मोदी का नाम लिया और जितनी बार मोदी का नाम लिया गया उतनी बार वहां मौजूद सभी लोगों ने काफी बुलंद आवाज में मोदी का समर्थन किया। आखिरकार 5 सितंबर 2013 को आडवाणी और मोहन भागवत की बैठक हुई। माना जाता है कि इसी बैठक में तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। मोदी के उभार से पहले बीजेपी का मतलब था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। वाजपेयी खराब तबियत की वजह से एक्टिव नहीं रहे। बीजेपी पर आडवाणी की पकड़ बरकरार थी, लेकिन संघ ने युवा नेता की बात कहकर आडवाणी को संकेत दे दिए। मोहन भागवत कई महीने पहले ही यह कह चुके थे कि बीजेपी में बुजुर्ग नेताओं को नई पीढ़ी के लिए रास्ता साफ करना चाहिए। 17 दिसंबर 2013 को भागवत आडवाणी की किताब दृष्टिकोण के विमोचन में पहुंचे। वहां उन्होंने इशारों इशारों में अपने इरादे जाहिर कर दिए। कैसे रहना है आडवाणी जी राजनीति में? वही रहना और पुण्यवान रहना ताकि गांव को पाप न खाए। माना जाता है कि मोहन भागवत ने आडवाणी को यह समझाया कि अब उन्हें अपनी पारी की समाप्ति की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्हें बीजेपी के लीडर की नहीं बल्कि मेंटोर की भूमिका में आना चाहिए। मोहन भागवत ने जहां मोदी के लिए मैदान सजाया वही आडवाणी को भी संघ परिवार से बाहर नहीं जाने दिया। मैं अब सत्संग में चालू हूं, बात ठीक है, लेकिन आडवाणी जी हमारे बहुत ज्येष्ठ है। आडवाणी आज बीजेपी से जुड़े हैं तो इसके पीछे भी भागवत का ही हाथ है। 9 जून 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव समिति का अध्यक्ष घोषित किया था। पार्टी में मोदी की धमक पड़ रही थी। इससे नाराज होकर आडवाणी ने अगले ही दिन पार्टी के 3 पदों से इस्तीफा दे दिया। मौके की नजाकत को समझते हुए भागवत ने मामले में दखल दिया। उन्होंने ना सिर्फ खुद आडवाणी से मिलकर उनसे फैसले पर दोबारा सोचने की अपील की बल्कि मोदी से भी ऐसा ही कराया। आखिरकार आडवाणी मान गए और अपना फैसला वापस ले लिया। बीजेपी का रिमोट मोहन भागवत के हाथ में है। उन्होंने मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनवाया और अब मोदी की जीत के लिए संघ के कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। पूरे देश में संघ के 45 लाख स्वयंसेवक और देश भर में करीब 50,000 शाखाएं चलती हैं। चुनावों में बीजेपी की मदद के लिए आरएसएस की प्रांतीय से लेकर जिला और मंडल तक की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में पार्टी के प्रचार और मतदाता को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी अलग अलग कार्यकर्ताओं को सौंपी गई। संघ और बीजेपी दोनों की कोशिश मोदी के पक्ष में बने माहौल को बनाए रखने की। बीजेपी की बूथ स्तरीय समितियां सीधे संघ के संपर्क में हैं। संघ के राज्य और जिले के बड़े नेता उन लोगों की नाराजगी भी दूर कर रहे हैं जिन्हें बीजेपी का टिकट नहीं मिलता। वहीं निचले स्तर के कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर बीजेपी के अभियान से जुड़े हैं। बीजेपी पर संघ की मजबूत पकड़ के बाद पार्टी के लिए संघ के लोग जुट गए हैं। सिर्फ मोदी ही नहीं पार्टी के अहम पदों पर भी संघ ने अपने खास आदमी बिठा दिए हैं। मोहन भागवत जब बोलते हैं तो बीजेपी सुनती है। बीजेपी के अध्यक्ष के लिए भागवत की पहली पसंद नितिन गडकरी थे। आरएसएस की कृपा से वो अध्यक्ष बने, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप और आडवाणी के विरोध के कारण गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बन पाए। बदले में संघ ने राजनाथ को आगे कर दिया। सितंबर 2012 में
महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने तब के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर सिंचाई घोटाले को दबाने के आरोप लगाए। इसके बाद गडकरी पूर्ति समूह की कंपनियों में गड़बड़ी के आरोपों में भी घिरे। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोपों से गडकरी की छवि खराब हो रही थी। पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का दबाव बनने लगा था, लेकिन मोहन भागवत का हाथ उनके सिर पर था और कुर्सी बची रही। लेकिन उस दौर में अन्ना के आंदोलन की वजह से देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से को देखते हुए संघ ने गडकरी को दूसरी बार अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया और 23 जनवरी 2013 को अध्यक्ष की कमान राजनाथ सिंह को दे दी गई। राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने और उस उनको अध्यक्ष बनाने के पीछे बड़ा सुविचारित तरीके से संघ ने उसमें भूमिका अदा की। संघ के भी प्रिय थे, बहुत कट्टरवादी चेहरा भी नहीं है, बहुत ही समन्वयवादी व्यक्तित्व है। गडकरी महाराष्ट्र के क्षेत्रीय नेता थे, लेकिन नागपुर से उनकी नजदीकी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये बात आडवाणी के खेमे को पसंद नहीं थी। गडकरी पर जब करप्शन के आरोप लगे तो आडवाणी खेमे ने गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भागवत ने अपने एक मोहरे को पिटता देख दूसरे मोहरे राजनाथ सिंह पर आम राय बनवा ली। भागवत को गडकरी के खिलाफ आडवाणी के तेवर नागवार गुजरे। संघ आडवाणी के मुंह से जिन्ना की तारीफ का प्रकरण भूला नहीं था। मौका मिलते ही हिसाब बराबर कर दिया। जब पीएम का उम्मीदवार घोषित करने की बारी आई तो आडवाणी का पत्ता साफ कर संघ ने मोदी के सिर पर हाथ रख दिया। पिछले साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जीत ली, उसके बाद भागवत ने बीजेपी को आम आदमी पार्टी को हल्के में ना लेने की सलाह दी। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति में धार ले आई। मोहन भागवत पिछले आम चुनाव से एक महीने पहले संघ के प्रमुख बने थे। बीजेपी तब भी सत्ता से बाहर थी। इन चुनावों में भागवत मौका चूकना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी भी इज्जत दांव पर। बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए भागवत ने बीजेपी के नेताओं को रणनीतिक घुट्टी पिलाई और आम आदमी से जुड़ने की सीख भी दी। दिल्ली में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी सत्ता की दहलीज पर आकर चूक गई। संघ को ये बात चुभती, इसलिए भागवत ने बीजेपी को आम आदमी पार्टी की तर्ज पर जनता से जुड़ने का मंत्र दिया। अब जब जनता फैसला करने वाली है तो संघ ने पार्टी की ये कहकर हिम्मत बढ़ाई है कि आम आदमी पार्टी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्ता चलाने का अनुभव बड़ी चीज है। और एक पार्टी आने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना ही अनुभव कितने हैं, किस उद्देश्य से आए और 49 डेज में वो किस प्रकार से उन्होंने सरकार चलाई, ये भी लोग देख रहे हैं। बीजेपी अपने जन्म से ही संघ की रोशनी में आगे बढ़ी। बतौर पार्टी बीजेपी बहुत आगे बढ़ सकती थी, लेकिन संघ ने उसे अपने चंगुल से आजाद नहीं होने दिया। संघ राजनीति करता तो है, लेकिन राजनीति करते दिखना नहीं चाहता। गडकरी के बदले राजनाथ और आडवाणी के बदले मोदी, मोहन भागवत ने आम चुनाव से पहले बीजेपी में बिसात बिछा दी है। ये वो दौर है जब बीजेपी पर संघ की सबसे मजबूत पकड़ बनी है। आरएसएस के विचार और मोदी का प्रचार चुनाव में क्या गुल खिलाता है, इस पर पूरे देश की नजरें हैं। वोट के रिमोट में अब विदा लेने का वक्त है। नमस्कार।